सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। जो है सतपुर उत्तर मध्य विद्यालय सतपुर के अब्दुल्ला सर जी, और वो जो है सो आए मेरे पास और देने के लिए पेपर। तो हमने पूछा कि आप बताइए कि आपके स्कूल में कितना बच्चों का पैसा आया हुआ था, कितना बांटे हैं। तो उन्होंने बताया कि मुखिया जी के द्वारा 70,000 रुपये बांटा गया है और मेरे द्वारा 10,000 बांटा गया है, 87,000 रुपये मेरे द्वारा बांटा गया है। तो हम बोले कि तो आप लिखित में दे दीजिए। तो उनका पत्रांक है 12, पत्रांक से जो है वो हमको दिए कि हम जो पैसा बांट दिए, 87,000 रुपये बांट दिए। और बांटने के बाद जो है हम जब बोले उनको कि आपके स्कूल में 1,87,000 रुपये आया हुआ है, तो बिल्कुल हतप्रभ हो गए। तो अपने पत्रांक 13 से 10/11/22 के डेट में लिख के देते हैं कि गलती मेरा नहीं है, यह जो अध्यक्ष संयोजिका की गलती है और उन लोग दोनों मिल करके जो है पैसा निकासी किए हैं और पैसा बांटे हैं। हम लिख पैसा तो आप स्वयं बांटे हैं, सचिव आप हैं, तो पैसा का मालिक तो आप थे, अध्यक्ष और आप दोनों मिलकर बांटे थे। तो बोले कि नहीं, हमको जानकारी नहीं था, जानकारी का अभाव था। हमने उनसे देखने के लिए बोलते कि हमको पासबुक दिखाई, वो दिखाया भी नहीं। इसके बाद शिकायत हम DO पलामो और DSC पलामो को दिए। तो उनके द्वारा एक जांच टीम बनाया गया, यानी BO को जांच टीम बनाया गया और BO स्वयं जा कर के स्कूल में जाँच किए। जाँच में 1,00,000 रुपये गड़बड़ पाया गया, बिल्कुल गबन पाया गया। तो गबन के बाद जो है सो कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। गबन जब पाया गया तो बड़े पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। अब वह विद्यालय के अध्यक्ष सचिव स्वयं पैसा बांट करके साबित कर दिए कि हमने गबन किया है, तो दोबारा स्कूल में पैसा बांटा। हाँ, जो ये परसों के डेट में जो है, ये तारीख था शायद 19 तारीख को, 19/12 के डेट में जो है पैसा बांटा गया है अध्यक्ष सचिव के द्वारा। 1,00,000 रुपया लिखित में आया है कि 199 बच्चों को मैंने पैसा बांटा, 5-5 रुपये करके देख बांटे हैं। तो जब पैसा आपके पास 87,000 रुपये था, तो 1,00,000 रुपये फिर कहाँ से बढ़ गया? यानी यह मामला ऐसा साजिश लगातार चलते आ रहा है। और हम उपायुक्त पलामू से, बहुत अच्छे हमारे उपायुक्त आए हुए हैं पलामू के, और DSC DO पलामू से हम मांग करना चाहते हैं कि वह साबित कर दिए हमारे जो हेडमास्टर थे, अध्यक्ष थे, वो जो सो साबित कर दिए कि हमने गबन किया है। जांच करने के बाद बांटा गया। तो हम श्रीमान सभी से निवेदन करें कि आप स्वयं जो सो अब इस पर कार्रवाई करें। अब ऐसे शिक्षक को आप वहाँ से हटाएं पहले, और जो खाता है खाता को बंद करें। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि लिखित में जो है हमारे जो हेडमास्टर हैं अब्दुल्ला जी, वो स्वयं लिखित में दिए हुए हैं कि हमारे स्कूल के जो अध्यक्ष संयोजिका जो हैं द्रौपदी पत्नी हैं। ये इसके माध्यम से साफ जाहिर होता है, उनके लिखित है, अध्यक्ष संयोजिका दोनों पति पत्नी हैं। अब इनके बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। इस अवस्था में जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो कैसे जो है सो अध्यक्ष के सचिव बने हुए हैं, संयोजिका बने हुए हैं। ऐसे भी लोग को बर्खास्त करते हुए क्या क्या कार्रवाई होना चाहिए, वो सभी लोग बड़े पदाधिकारी को ज्ञात है। उपायुक्त पलामू महोदय, आप संज्ञान लीजिए, यहाँ चरम पर भ्रष्टाचार चल रहा है और आप पे मुझे बिलीव है, विश्वास है कि आप इस पर कार्रवाई